क्या आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स के केस में ये जो इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन है और ये ग्राफ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये किस तरह का फिगर हमें देता है, या फिर आप ये देखेंगे कि इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें ग्राफ किस तरह का मिलता है। तो आइए देखिए, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स प्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे, ठीक है। जबकि हमारा जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का जो ग्राफ होता है, इसके जो जीरोज़ के थ्रू जो हम ग्राफ क्रिएट करते हैं वो हमें एक पैराबोला, या तो ये अपवर्ड पैराबोला इस तरह का मिलेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह का मिलेगा, यानी कि कुछ इस तरह के ग्राफ में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह का भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ओके। और ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इन केसेस में हमें कुछ इस तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनके ये इस इसका क्या संबंध है जीरोज़ के साथ, ये हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, सो दैट कि इसी तरह के फैक्ट्स आपके सामने हम लाते रहें। थैंक यू।